मेरे पास यमुना एक्सप्रेस वे की लोकेशन में आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे, रेजिडेंशियल प्लॉट्स, चाहे वो प्राइवेट डेवलपर का हो या फिर अथॉरिटी का हो। दूसरा, अगर अपार्टमेंट्स की बात करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर ATS की प्रॉपर्टी मिल जाएगी 2BHK एंड 3BHK। गौर्स के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे 2BHK एंड 3BHK। इसके अलावा जो टॉय सिटी है, जो आपकी फिल्म सिटी है, उनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। इसके बाद आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। जो एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। अब आज की डेट में टाटा ग्रुप की उसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑन टाइम पर कंप्लीट होना ही होना है। इसके अलावा जो बैक साइड की कुछ प्रॉपर्टी जो JP स्पोर्ट्स सिटी के अंदर आती है, उसमें भी आपको ऑप्शंस में हाई रेंज अपार्टमेंट्स का दे सकता हूँ। ऑलरेडी मेरा जो यमुना एक्सप्रेस में काम करने का जो एक्सपीरियंस रहा है, आई एम डीलिंग विथ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ सिंस 2015 से मैं इस लोकेशन पर काम कर रहा हूँ। तो 2015 से लेकर 2023 तक जो ऑलरेडी लगभग 6-7 साल के आसपास का जो एक्सपीरियंस मेरा रहा इस पर्टिकुलर सेक्टर में डील करने का, उससे एक बेटर ऑप्शंस, क्योंकि यहाँ पर मैंने 6-7 साल मैंने ये भी देखा है कि कहाँ कहाँ पे प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होनी थी बट किस किस वजह से वहाँ पर हो नहीं पाई, और कुछ प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़े तो उसके पीछे रीजन्स क्या थे। तो जो फैक्टर्स होते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं, उन सारे पैरामीटर्स का ऑलरेडी नॉलेज है। तो आई कैन सजेस्ट यू एट दिस पॉइंट कि आज की डेट में अगर आप यमुना एक्सप्रेस की प्रॉपर्टी में पैसे लगा रहे हो, चाहे वो प्लॉट्स हो, रेजिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल प्लॉट्स हो, कमर्शियल की यूनिट्स हो, तो किस लोकेशन में किस प्रॉपर्टी आपको पैसे लगाना चाहिए और एंट्री रेट्स क्या होने चाहिए, तो ऐसे ऑप्शंस आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। और कुछ ऑप्शंस मेरे पास आज के रेट में ऐसे हैं जहाँ पर श्योर शॉट ये है कि जितने पैसे आप लगा रहे हैं एटलीस्ट 50-60% का रिटर्न ले, 2-2.5 साल के अंदर आपको रिटर्न उतना मिल जाएगा। तो एक बार ऑप्शंस को समझते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास यमुना पे अवेलेबल है। हाय एवरीवन, आई एम शशिराज सिंह, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है वो यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन का है। अभी आपको पता है कि यमुना एक्सप्रेसवे अगले 2024 तक में यहाँ पर जो सिनेरियो चेंज होने वाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ कमर्शियल ऑप्शंस, इंडस्ट्रियल ऑप्शन जो अगले 2024 में यहाँ तक आपको कुछ हद तक दिखेंगे, तो यहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बैक टू बैक कहीं ना कहीं उनके जो रेट्स हैं वो रिवाइज होते जा रहे हैं। तो दैट इज़ द मेन रीजन कि आज की रेट में दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट ऑन यमुना एक्सप्रेस वे प्रॉपर्टी, जहाँ पर अगले 1.5-2 साल के रेंज आप टेन्योर लेकर चलो तो एक अच्छा खासा प्रीमियम आप इस लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करने के बाद ले सकते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट द USP ऑफ यमुना एक्सप्रेस वे, तो मेजर USP आपको मैं काउंट करा देता हूँ, बाकी जब आप मेरे से कनेक्ट करेंगे तो ओवरऑल एक डिस्कशन हमारा उस पॉइंट पर हो जाए कि कौन कौन से ऑप्शंस और भी यमुना एक्सप्रेस वे पर एज ए इन्वेस्टमेंट या फिर कौन कौन सी कंपनी जा रही हैं। तो एज ए फ्रॉम आई वुड लाइक टू से कि यमुना एक्सप्रेस पर जितनी आप बड़ी इंडस्ट्रीज़ का लैंड पार्सल आप देख लो, जितनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जो अलॉटमेंट हो रही है, जो अथॉरिटी कर रही है, गवर्नमेंट बड़ी कर रहे हैं इस लोकेलिटी को कहीं ना कहीं एक बूम देने के लिए, वो सारी की सारी यमुना एक्सप्रेस पर आज के रेट में आपको मिल जाएगा। एज ऑन डेट अगर बड़ी USP की बात करें तो आपका वीवो का 300 एकड़ प्लस का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। अभी आज के रेट में लोगों को लगता नहीं होगा कि पूरा खाली है, बट इनसाइड पूरा काम चल रहा है, आप पर्सनली उस लोकेशन को विजिट कर सकते हो। इसके अलावा पतंजलि का जो फूड पार्क है उसमें भी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। अथॉरिटी को और भी प्लानिंग देखेंगे जो कमर्शियल से रिलेटेड, वो सारी की सारी यमुना एक्सप्रेस पर आज की रेट में मिल रही है। टॉय सिटी है, जो आपकी फिल्म सिटी है उनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। इसके बाद आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। जो एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। अब आज की डेट में टाटा ग्रुप की उसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑन टाइम पर कंप्लीट होना ही होना है।
अपार्टमेंट्स की बात करेंगे तो अपार्टमेंट्स में कुछ ऑप्शंस आपके यमुना एक्सप्रेस के बिल्कुल एंट्रेंस में जो आप चढ़ते हो उसके सराउंडिंग में ग्रेटर नोएडा कुछ सेक्टर्स आते हैं, चाई 4 चाई 5 वहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। प्रॉपर यमुना की बात करेंगे तो स्पोर्ट्स सिटी की लोकेशन सबसे बेस्ट मानी जाएगी, या फिर जो गौर वाली बेल्ट है जहाँ पर गौर यमुना सिटी है, ATS एलोर है और ओएसिस ग्रैंड स्टैंड है, ये तीनों प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्योंकि बड़ी टाउनशिप का पार्ट है और बड़ी टाउनशिप में जब एक चीज़ डिलीवर होती है दूसरा लॉन्च होता है उसके रेट्स महंगे होते हैं, फिर तीसरा लॉन्च होता है उसके रेट्स महंगे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा रिटर्न आप उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाई रेंज अपार्टमेंट्स में कुछ ऐसी भी डील मिलती है जो कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस डील हो, बिल्डर बेच रहा है 4400-4500 के रेट में आपको प्रॉपर्टी 3800-3900-4000 के रेंज मिल जा रही है, तो वहाँ एक आप अच्छा एप्रिसिएशन ले सकते हो कि D1 की एप्रिसिएशन 400-500 की मिल जाती है तो आने वाले टाइम वो भी आपको 1000-2000 प्लस में आपको रिटर्न दे देगा। अगर थोड़े होल्ड करने वाले कस्टमर हो जिनको 3 साल का होल्ड करके कम रिटर्न चाहिए उस वे में उनके लिए ऑप्शन में दूंगी, या तो कमर्शियल प्लॉट में पैसे लगा लो वो एक अच्छा रिटर्न दे देगा, क्योंकि 3 साल में जब ऑप्शंस वहां पर मूव करेंगे, पब्लिक मूव करेगी, भीड़ वहां पर मूव करेगी, क्राउड मूव करेगी, तो कहीं ना कहीं इनके प्राइस भी हाइक पर जाएंगे। इसके अलावा रेजिडेंशियल प्लॉट आप ले सकते हो, गौर में आप प्लॉट लेकर डाल दो, छोड़ दो उसको 2-3 साल, वहां भी अच्छा रिटर्न्स मिल जाएगा। और इस 100 एकड़ की टाउनशिप है, बहुत से कम लोगों को पता होगा गोल्फ कोर्स फेसिंग की प्लॉट्स आते हैं, 100 एकड़ में 650 प्लॉट्स ओनली, वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वहाँ भी आप प्लॉट लेके डाल सकते हैं, अगले 3 साल के लिए आप छोड़ दो, एटलीस्ट 60-70% के गारंटेड रिटर्न है, ऐसे प्लॉट्स का ऑप्शन में आपको यमुना एक्सप्रेस पे 100% मिलेगा ही मिलेगा। एक USP मैंने कवर कर दी कि वाई स्टूडियो इन्वेस्ट ऑन यमुना एक्सप्रेस वे, जो मेजर USP थी मैंने बता दी। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन थे, कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने चाहिए फॉर द यमुना एक्सप्रेस इन्वेस्टमेंट, वो आपको ऑप्शंस मैंने बता दिए। अब आप मेरे कॉल के थ्रू जो आप मुझसे कनेक्ट करेंगे, जब आपको मैं प्रॉपर विजिट कराऊँगा, तो कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया लग जाए कि कौन सी प्रॉपर्टी आपकी हर रिक्वायरमेंट्स को, जो एक इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक इंसान सोचता है, वो कहीं ना कहीं मीट कर रही है, मैच कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट डील देने की गारंटी मेरी है, सजेशन गाइडेंस देने की गारंटी मेरी है, बट जो फाइनल सिलेक्शन है, चूंकि आपका पैसा है, आपका वेल्थ है, तो आपको ही करना पड़ेगा। बट उस प्रॉपर्टी जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसमें भी आपको मैं गाइड कर दूंगा कि विथ 100% श्योरिटी व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्रीमियम यू कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। सो इट वॉज ऑल अबाउट द यमुना एक्सप्रेस इन्वेस्टमेंट। अभी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज लॉन्च होने वाली यमुना एक्सप्रेस वे पर, तो कहीं ना कहीं आपको यमुना एक्सप्रेस वे पर एक अच्छी रिटर्न्स कह सकते हैं आने वाले टाइम में मिलेगा, और अभी दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट ऑन यमुना एक्सप्रेस। यह बात हमेशा आप ध्यान रखिए क्योंकि अगला 3 साल यमुना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और रेट बैक टू बैक वहाँ पर रिवाइज होंगे। सो मिलते हैं अगले एक ब्लॉग में, जो कहीं ना कहीं आपके लिए कोई इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स या तो होगा या फिर किस पर्टिकुलर डेवलपर की प्रॉपर्टी होगी। मुझे 6-7 साल का जो भी एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करता हूँ। सो जो मैं शेयर कर रहा हूँ इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस व्हाटएवर आई हैव गॉट इन लास्ट 6-7 ईयर्स व्हाइल वर्किंग इन दिस नोएडा मार्केट। सो थैंक यू।